हेलो। सो नेक्स्ट बच्चों जो अपन बात कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं अपन अपने टॉपिक को। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज वेट। तो ये जो आपका एवरेज एटॉमिक मास है, एक तो ये अपन को याद रखना है बच्चों कि ये जो एवरेज एटॉमिक मास है ये अपन तब यूज़ में लेते हैं जब आपका आइसोटोप्स गिवन हो। तो एक जो क्वेश्चन है फेमस जो आपको याद होना चाहिए, बाकी तो अगर आप 30 ईयर्स की जो बुकलेट है अगर उसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर आइसोटोपिक इफेक्ट। सो सपोज दिस इज़ क्लोरीन 35, देर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज़ द 37। नाउ देर अबंडेंस गिवन इज 3:1, क्लियर। तो अबंडेंस अपन को कैसा होगा, या तो ऐसे रेशियो में गिवन होगी या फिर परसेंटेज में गिवन होगी, क्लियर। अगर आपको रेशियो में गिवन हो तो क्या करना है, जो भी अबंडेंस रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। तो एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड विद इट्स अबंडेंस प्लस एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड विद इट्स अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस दैट इज 3:1। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आएगा 35.5 एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन जो जनरली अपन यूज करते हैं। अब अगर इसी को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता तो मैं कैसे लेता, टोटल अबंडेंस कितना हुआ 4, सो परसेंटेज में कैसे गिवन होता, एक का अबंडेंस होता 3/4 और दूसरे का अबंडेंस होता 1/4। अब अगर मैं इसे परसेंटेज में लेता तो ये कितना आ जाता, दिस वन इज कम्स आउट टू बी 75% एंड दिस इज कम्स आउट टू बी 25%। अब सेम क्वेश्चन अगर अपन को परसेंटेज के बेसिस से दिया होता तो अपन को क्या करना होता, सो इट इज 35 इंटू जो भी आपका परसेंटेज है वो लिख दो आप 75 प्लस दिस वन इज 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द टोटल परसेंटेज, तो दोनों का जब मिलाते हैं तो कितना आता है 100। सो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करते तो भी आपका आंसर कितना आता, 35.5, क्लियर। सो ये जो आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है उसको करने के दो तरीके हैं, या तो अबंडेंस रेशियो गिवन होगा आपको या फिर क्या गिवन होगी आपको, परसेंटेज। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अब अगर मैं आपको 30 ईयर्स की बात करूँ तो 30 ईयर्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं अगर आप देखोगे तो मैं क्वेश्चन अगर आपको दिखाता हूँ तो दिस इज़ द क्वेश्चन बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, ठीक। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। तो अगर इस क्वेश्चन को अपन देखें ढंग से तो दिया हुआ है एन एलिमेंट एक्स हैव अ फॉलोइंग आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन 200, तो क्या करोगे आप इसे 200 मल्टीप्लाइड विद 90, क्लियर। जो 199 वाला है उसका कितना 8% है, 202 का कितना है 2%। तो 200 इंटू 90, 199 इंटू 80 प्लस 200 इंटू 2, इस सबको पूरे को कैसे डिवाइड करना है, सो टोटल अबंडेंस कितना है 100। सो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जैसे ये 24 क्वेश्चन है, उसके अलावा भी बच्चे अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो इसके अंदर और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो आए हुए हैं, क्लियर। सो बोरोन का एटॉमिक वेट, नाउ सी दिस क्वेश्चन, बोरोन हैज अ टू स्टेबल आइसोटोप, बोरोन 10 19%, बोरोन 11 81%, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इन पीरियोडिक टेबल। सो ये एक आपका पैटर्न हो गया, मेरे ख्याल से अभी बच्चों को समझ में आ गया होगा किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो ये हुआ एटॉमिक वेट। अब अपन आते हैं इसके बाद जो अपना सेकेंड पार्ट है, द मास परसेंट एंड एम्पेरिकल फार्मूला एंड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा बच्चों, जनरली जो अपने क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसा आता है कि आपको मास परसेंट गिवन है, फाइंड आउट द एम्पेरिकल फार्मूला, या तो इतना सा आएगा या फिर जनरली आएगा एम्पेरिकल फार्मूला इज गिवन, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्लियर। आई थिंक ये वाला जो प्रोफाइल है वो सबको आता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट अपन करके देखते हैं। पहले तो अपन ये बताएं कि मास परसेंट कैसे निकाला जाता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैं जनरली एक्सप्लेन करता हूँ, इट इज़ ईजियर वन।
सपोज ये अपन ने मीथेन लिया, अभी मैंने आपको समझाया था ये 12 ग्राम होता है इसके अंदर और हाइड्रोजन कितना होता है 4 ग्राम, तो इसे बोलते हैं अपन मास परसेंट बेसिकली। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड, तो ये जो भी मास कार्बन का है 12, इसको आप टोटल मास से डिवाइड कर दो 16, ये मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये आपका मास परसेंट आ गया। तो ये मास परसेंट आया सपोज आपका 75%। ऐसे ही आपका हाइड्रोजन कितना है 4 डिवाइडेड बाय 16 इनटू 100, तो ये लगभग आपका कितना आया, दिस इज 25%। सो ये दोनों को अच्छा, इसमें एक कॉमन सेंस भी, अगर इसका 75,000 दो ही एलिमेंट है, इसका मतलब दूसरे का कितना आने वाला है, 100 - 75, दैट इज 25%। अब इसी को रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, इसी से अगर मेरे को क्या निकालना है, परसेंट से इंपेरिकल फार्मूला, तो बच्चों इसमें कुछ नहीं करना आपको, आप जितने भी एलिमेंट है सबसे पहले ऐसे लिखो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का परसेंटेज कितना गिवन था आपको 75, हाइड्रोजन का कितना था 1, अभी कार्बन कैसे एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो ये हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 25% था और यहाँ पे ये कितना था 75%। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे गिवन है ना परसेंटेज, उसको आपको एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है, जैसे अपन यहाँ पे कर देता है 12 / 1। जैसे ही मैं आपका यहाँ पे 75% को 12 से डिवाइड करूँगा तो ये आएगा 6.25, और ये वाला जो है ये 25 आएगा। इसमें जो भी आपका सबसे छोटा नंबर आता है उसको वापस डिवाइड कर देना है दोनों में, जैसे ही आप छोटे नंबर को डिवाइड करोगे तो आपके पास एक होल नंबर आएगा लगभग, दैट इज 1:4। अब ये जो आपके पास होल नंबर आया ये ऐसा भी आ सकता है 1:1.5, जब ऐसा आए तो आपको क्या कर देना है 1:3/2, तो ये हो गया 2:3, मतलब आपको सिंपल रेशियो में लेना है, यहाँ डायरेक्टली आ रहा है ईजियर वन है, तो कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, ये जो आपके पास डायरेक्टली आया इसे बोलते हैं अपन एम्पेरिकल फार्मूला। इसी एम्पेरिकल फार्मूला से बच्चों आपको पता होगा देर इज अ फार्मूला कॉल्ड एन, एन का मतलब होता है फैक्टर, जिससे आप इंपेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे एन इंटू सी एच फोर, तो ये क्या बन जाएगा CnH4n, बेसिकली ये एन यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाते हैं अपन, सो ये CnH4n बन गया, तो इस तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो गया, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में। बट यहाँ पे क्या होता है, इट इज मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास, तो जैसे ही आप डिवाइड करते हो किसको, मॉलिक्यूलर मास गिवन होगा आपको डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, डायरेक्टली यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलता यही वाले क्वेश्चन को करने की कि एक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन दोनों गिवन है, एक का परसेंटेज 75 है, एक का 25, और इसका मोलर मास 16 है, तो अब आप बताओ कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, एन कितना है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकला था CH4, वो कितना था आपका 16, और आपका मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 16, मतलब फैक्टर क्या है 1, अगर फैक्टर 1 आ रहा है इसमें, इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है सेम। बट इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों अपने जो 30 ईयर से उसमें दिए हुए हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको डिफिकल्टी आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, और मेरे जो मैंने समझाया उस चैनल के ऊपर लिख सकते हो कि किस तरह की डिफिकल्टी आपको इस तरह के क्वेश्चन में फेस हो रही है, बट इट इज़ वेरी ईजियर प्रोफाइल। उसके बाद आते हैं अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर। यहाँ आपको पता होगा बच्चों कि जब अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, तो अभी जो मैंने समझाया था उसे बोलते हैं अपन परसेंट वेट बाय वेट। अब ये जो परसेंट वेट बाय वेट है, ये तो था फॉर्मूला के अंदर परसेंट वेट बाय वेट। अगर मेरे को सॉल्यूशन के टर्म्स में परसेंट वेट बाय वेट लिखना है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए परसेंट वेट बाय वेट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि x ग्राम सॉल्यूट है और सॉल्यूशन कितना है आपका 100 ग्राम्स, तो इट इज आउट ऑफ 100, परसेंटेज लिखा हुआ है देयरफॉर आउट ऑफ 100, इधर भी ग्राम्स इधर भी ग्राम्स, इधर सॉल्यूशन के इधर सॉल्यूट के। इसी को अगर मैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करूँ तो आप इसे क्या बोलोगे, x, यहाँ वेट है इसलिए x ग्राम ऑफ सॉल्यूट वो सेम रहेगा, इट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 ml। इसी की जगह अगर मैं लिखूं परसेंट वी बाय वी, तो क्योंकि ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो आपको डिनोमिनेटर में लेना है बेसिकली वो सॉल्यूशन लेना है ना कि सॉल्वेंट। ऐसी एक टर्म आती है जिसे अपन बोलते हैं मोल परसेंट, तो आप मोल परसेंट भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो अगर मोल परसेंट फाइंड आउट करना है, जैसे वेट बाय वेट फाइंड आउट करते हैं, वैसे अपन क्या फाइंड आउट करते हैं, मोल परसेंट।
तो आजकल परसेंट वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोल परसेंट जो आपका है वो जनरली आपको किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में निकालने को देंगे, क्लियर। उसके अलावा मोलैरिटी आप सबको मालूम है, तो ये जो आपका मोलैरिटी वाला टर्म है इसका मतलब होता है मोल्स किसके सल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इन लीटर्स। जनरली ये ml में होता है बच्चों। अगर इसको मैं ml लिखूं तो मेरा इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000, ठीक। ऐसे अगर मैं मोलैरिटी के बाद बात करूं तो नॉर्मैलिटी की, तो नॉर्मैलिटी बेसिकली क्या होती है, मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। ये छोटे छोटे फार्मूलाज है जो आपको याद रखने हैं। वैलेंस फैक्टर अपन जो लेते हैं, अगर मैं एसिड की बात करूं तो कितने H प्लस आयन ये डोनेट करेगा, अगर मैं बेस की बात करूं तो कितने OH माइनस आयन ये डोनेट करेगा, क्लियर। जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, तो इट इज बेसिकली वैलेंस फैक्टर इज 1, H2SO4 वैलेंस फैक्टर इज 2। बट बच्चों डायरेक्टली हाइड्रोजन देख के वैलेंस फैक्टर नहीं निकालना है अपन को, अपन को वो हाइड्रोजन निकालना है जो क्या हो सकते हैं सोल्यूशन के अंदर अपन दे सकते हैं। ऐसे ही अगर अपन बात करते हैं मोलैरिटी की, अगर मैं मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी का मतलब होता है ऊपर लेना है आपको मोल्स ऑफ सल्यूट, और मोल्स ऑफ सल्यूट के बाद आपको डिवाइड कर देना है नीचे किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर इट शुड बी इन केजी, अगर ये ग्राम्स में होता है तो इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद 1000। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं मोलैलिटी को। अब बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका उसके अलावा होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है आपका, उसका मतलब यह है कि सल्यूशन में एक तो सल्यूट के मोल्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, मतलब एन ऑफ सल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको बोलते हैं अपन काई ऑफ सल्यूट, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स है, क्लियर। जो आपका मोलैलिटी है उसके अंदर भी वेट है, मोलैलिटी में आपके वॉल्यूम है, नॉर्मैलिटी में आपके वॉल्यूम है, क्योंकि वो मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है। जहां पे भी आपके डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गया, वॉल्यूम, जिस भी जगह पे वॉल्यूम आ गया जनरली वो जो क्वांटिटीज होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दे आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एंड व्हेन वी कॉल दे आर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो जनरली क्या होगा, टेम्परेचर के साथ व्हाट विल हैपन, द वॉल्यूम विल इंक्रीज, सो दीज क्वांटिटीज आर जनरली डिक्रीज।